नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन महावीर स्टेडियम में किया गया। इस खेलकूद में कई गांव की महिलाओं तथा स्लम बस्तियों की महिलाओं ने भाग लिया। यह खेलकूद प्रतियोगिता महिला एवं बाल विकास विभाग हिसार द्वारा आयोजित किया गया था। इस खेलकूद प्रतियोगिता में लड़कियों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न तरह के खेलों जैसे साइकिल रेस, मटका रेस, नींबू रेस की प्रतियोगिता भी की गई। इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करने का उद्देश्य महिलाओं के प्रति आत्मबल व खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने का था। खेल प्रतिभागियों का कहना था कि इस तरह के खेलों का आयोजन समय समय पर होना चाहिए ताकि महिलाओं को इनमें भाग लेने का मौका बार बार मिलता रहे। खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए विभिन्न तरह के इनाम रखे गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हिसार की सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी चेतन द्वारा किया गया। अतिथि शालिनी चेतल ने बताया कि इस तरह के आयोजन से गांव की महिलाओं में आत्मबल बढ़ता है और सरकार जीतने वाली महिलाओं को इनाम राशि देती है और सरकार इन आयोजनों को समय समय पर करवा रही है ताकि गांव की महिलाएं घर से बाहर निकलकर आत्मबल पैदा कर सके। ये जिला स्तर की खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं महिलाओं के लिए, जो कि दो वर्गों में करवाई जाती हैं हर वर्ष, 18 से 30 और 30 से 60। तो इस ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है गांव की महिलाओं के लिए कि वो अपने घर से निकल करके अलग अलग खेलों में, इसमें 6 खेल जैसे विधाएं हैं, तो उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं और सरकार प्रोत्साहन दे रही है इस तरीके से, इस बहाने से कि महिलाओं में थोड़ी जागरूकता आए और वो जो है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। प्लस एक अलग तरीके से मोटिवेशन है, एक हिस्सा है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और इसमें जिला स्तर पर जो जीतते हैं प्रतिभागी उनको 4100, 3100 और 2100 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और इनमें से प्रथम द्वितीय आने वाले जो हैं फिर वो स्टेट लेवल पर जो है वो जाकर के, प्रथम आने वाले स्टेट लेवल पर जाकर के हमारे ज़िले को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पर भी बहुत अच्छी राशि जो है उनको सरकार के द्वारा 21,000, 11,000 और 7,500 रुपए जो है वो इनाम के तौर पर दी जाती है। परिणीति गोस्वामी डीपीओ हिसार ने बताया कि यह खेल 18 से 30 व 31 से 40 वर्ष की महिलाओं के बीच में रखा गया था और विजय महिलाओं के लिए उचित इनाम राशि रखी गई है और जिला स्तर पर विजय महिलाओं को राज्य स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा। कि जिला स्तर का यहाँ पर महिलाओं के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसमें सभी 10 जो हमारे हिसार के 10 खंड हैं उनके सभी विजयी प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं और इस विजयी प्रतिभागियों के ने फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। ब्लॉक स्तर पर इनको 2100 रुपये, 1100 रुपये, 750 रुपये का प्राइज मिला है। जिला स्तर पर 4100, 3100 और 2100 का मिलेगा। ये 6 प्रकार के इवेंट्स यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिन्हें कि 2 भागों में हमने बांटा है, 18 से 30 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए हमने 300 मीटर रेस रखी है, 400 मीटर दौड़ रखी है और साइकिल रेस रखी है। और इसके अलावा 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए हमने आलू चम्मच रेस रखी है, मटका रेस रखी है और 100 मीटर रेस रखी है।
यहाँ से जितने भी विजयी प्रतिभागी होंगे वो जिला स्तर पे, वो हमारे अब राज्य स्तर पे होगा जो कि बालिका दिवस पर मनाया जा रहा है, और वहाँ पर भी अच्छे पुरस्कार से फर्स्ट वाले को, फर्स्ट जो विजयी प्रतिभागी उसको 21,000 रुपये हैं, सेकंड जो है उसको 11,000 रुपये हैं, और थर्ड जो प्रतिभागी विजयी रहेंगे उनको 7,500 रुपये मिलेंगे। और हम प्रतिवर्ष ये देख रहे हैं कि महिलाओं की और किशोरी लड़कियों की जो तादाद है वो प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में जब ये हमने इवेंट शुरू करा था जब इतनी जागरूकता नहीं थी, परंतु अब हर महिला चाहती है कि मैं भी भाग लूं, क्योंकि ये उनके लिए घर से बाहर निकलने का मौका है और मनोरंजन का भी साधन है। मैम, जैसे ये जिला स्तरीय गेम हो रहा है, जैसे कहाँ कहाँ से इसमें आई हुई है? ये हिसार के सभी ब्लॉकों से आई हुई है, 9 के 9 ब्लॉक से। हाँ जी, हर ब्लॉक से 2 लेडीज हैं। जो ये कार्यक्रम आयोजन करने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? यही कि सभी जागरूक हो खेल के प्रति, महिलाएं बाहर निकलें, और इनके एक दो और भी मोटो हैं, टारगेट हैं कि महिलाओं के जो भी लेडीज दिक्कत है उनके लिए सबको जागरूक करना, सभी को बताना कि इसमें शर्माने की बजाय अपने हेल्प करो एक दूसरे की इस टाइम पे, उनके परिवार वालों को बताना। जैसे आप लोग जजमेंट में हैं, यहाँ पैनल पे आप लोग, तो जजमेंट करने के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे मैं देख रहा हूँ, तो उसके लिए आप किस तरह से आप लोग कर रहे हैं जजमेंट का? हमें वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक टाइम हमें तो क्लियर होता है जजमेंट, पर इनको डाउट रहता है, क्योंकि जो फर्स्ट लेन में दौड़ रहा है उसको 8 लेन का नहीं पता कि उसमें जो है वो कहाँ है, वो अपने आप को ये मानती नहीं है, थोड़ा सा ये एजुकेशन का फर्क लगा लो या कुछ भी, ये जिद करती है। जजमेंट हमारा तो क्लियर हो जाता है देखते ही, पर हम फिर भी इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए वीडियो बना रहे हैं। और जब सिटी बिग न्यूज ने प्रतिभागियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सरकार को ऐसे आयोजन समय समय पर करने चाहिए ताकि महिलाओं का सम्मान व आत्मबल बढ़ सके। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता किया गया, जिसको कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तो क्या ये समय समय पर होना चाहिए? होना चाहिए। क्या होता है इससे, क्या होगा इससे? इससे हमारी तो मनोरंजन होता है, अच्छा सा मनोरंजन होता है, खेलने को मिलता है। तो जैसे घर में आप लोग काम करते हो, सारा दिन घर पे लगे रहने, और एकदम से एक स्पोर्ट्स के लिए आप आ रहे हो, यहाँ खेल कूद में आ पा रहे हो, तो मतलब आम जो लेडीज है घरेलू उनको क्या कहना चाहिए? खेलो भाई, खेल में मनोरंजन होता है, हमारा भी तो बाहर निकलने का मौका मिला हमें, तो हमें निकलना चाहिए, अच्छा लग रहा है जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहेंगे जी, हमारा लेडीजों का प्रोग्राम है, उसमें हम भाग दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, जो हमारे तंदुरुस्ती और हमारा ख्याल बढ़े उसमें। तो इस तरह के आयोजन समय समय पर होने चाहिए? हाँ जी। क्या होगा इससे, होने से तो क्या होगा, बस यही है अभी घर बैठे को पैर खुल जाए, ऐसे कुछ भाई लेडीजों की सोच चाहिए, हम भी भाग रहे हैं उनके पीछे। हाँ, तो क्या आप क्या काम करते हैं घर पे, हाउसवाइफ है? करते हैं जी, हाँ घर पे ही, घर का ही काम करते हैं। और जैसे घर पे आप सारा दिन घर पे लगे रहते हैं, और आज आप यहाँ पे महावीर स्टेडियम में आपने स्पोर्ट्स के लिए आए हो, तो कैसा अनुभव हो रहा है? बस वैसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हम पीछे रहेंगे अगर निकलेंगे भाई, हमारे पाँव में दर्द होगा या नहीं होगा, बस ऐसे महसूस कर रहे हैं हम। तो इस तरह के आयोजन होने चाहिए? हाँ जी, और क्या, हमारी जब तक के नाम तंदुरुस्ती चला है तो ये समझेंगे भाई होनी चाहिए, जब बिल्कुल डर जाएंगे फिर किसे करेंगे। अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल। आप क्या करती हैं? आप खेती करते हैं जी, हम तो खेती करते हैं। जैसे खेती करते हो आप, गाँव में अपना काम करते हैं, और घर से निकल के एकदम से आप स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हो, तो कैसा अनुभव है? अच्छा महसूस हो रहा है जी। तो इस तरह के आयोजन समय समय पे होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए जी, बिल्कुल होने चाहिए जी, महिला के लिए छूट मिलती है, महिला को बाहर निकलने के लिए। हाँ, नहीं तो खेती का काम मुड़ जे रहते हैं जी, थोड़ी घनी हमने भी खुल मिला जी बाहर आने के लिए। हाँ, ऐसा अच्छा महसूस हो रहा है जी। हाँ जी, आप बताइए जिस तरह के, इस तरह के आयोजन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, जैसे जो गृहस्थ वाली महिलाएं हैं उनको बाहर निकलने का थोड़ा मौका मिल रहा है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा, प्रोत्साहन राशि भी आजकल तो बहुत अच्छी कर दी, तो जैसे पहले ब्लॉक लेवल पे, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी हो रहे हैं ना, तो महिलाओं का बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है सर। फेयर गेम हो रहे हैं, अच्छे गेम हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, वर्कर्स आ रही हैं, गाँव की महिलाएँ आ रही हैं, हमारी सीनियर्स भी आ रही हैं, तो बहुत अच्छा, मतलब आयोजन बहुत एकदम सलीके से किया जा रहा है सर। मैं 300 मीटर की धावक हूँ और इसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल लगा और यहाँ की फैसिलिटी है जो बहुत अच्छी है। मैंने 300 मीटर की रेस में थर्ड स्थान प्राप्त किया, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। मैं गांव कोतकलां से हूँ और मुझे 300 मीटर में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है, इसका सिरे में मेरे माता पिता को और कोच सर को देना चाहते हैं। मेरी सेकंड पोजीशन है, मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर मैं बहुत खुश हुई, और इसी से मेरे माँ बाप और का नाम रोशन करूँगी आने वाले समय में, और हरियाणा के
हरियाणा का भी नाम रोशन होगा साथ साथ में। जैसे जो ये स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आप जुड़े हुए हो, तो कैसा लगता है स्पोर्ट्स में? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा गेम वैसे तो मैन कबड्डी है, लेकिन मैं आज साइकिल रेस में मुझे प्रतियोगिता में भाग लिया और मेरे कोच सतीश पुनिया है जो मुझे आगे बढ़ाने में मेरा साथ देते हैं। तो सरकार की जो नीति हुई खेल को लेकर, किस तरह की नीति है, उस नीति से आप संतुष्ट हो? हाँ, सरकार ने बहुत सारे लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। खेलने से हमें नौकरी भी मिल सकती है और हमें खेलने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक खिलाड़ी की अलग से पहचान बनती है खेल से। जी, आप भी स्पोर्ट्स में हैं, तो आपका कैसा अनुभव है खेलों को लेकर? मेरा अनुभव बहुत अच्छा है और मुझे इस प्रतियोगिता में पोजीशन पाकर बहुत अच्छा लगा और मुझे ये प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी लगी और मैं कबड्डी की प्लेयर हूँ और जो ब्लॉक खेलती हूँ। अब मुझे साइकिल में प्रतियोगिता पोजीशन पाकर बहुत ही अच्छा लगा और जिसके कारण मेरा गांव का नाम रोशन होगा और मेरे मम्मी पापा का भी होगा। अपने शहर की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़।